हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे रेजिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पहले की जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवाए थे रेजिडेंट्स एंड टैक्स लाइबिलिटी का। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए नई नई नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ रेजिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी इनकम टैक्स के। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ फॉलोइंग रिसीव्ड डीमेरिट टू बी रिसीव्ड और एक्वायर्ड ऑन अराइजिंग। रिसीव्ड क्या होता है, डीमेरिट टू बी रिसीव्ड क्या होता है, और एक्वायर्ड और अराइजिंग क्या होता है, ये शॉर्ट नोट लिखेंगे हम इसके ऊपर। तो सबसे पहले रिसीव्ड क्या होता है, रिसीव्ड क्या होता है कि द वर्ड रिसीव्ड मीन्स द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमें रिसीप्ट मिली है इनकम की पहली बार उसको बोलते हैं रिसीव्ड। इफ एनी इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड इमिडिएटली सेंड इन इंडिया देन इट विल बी कॉल्ड इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई इनकम है रिसीव हुई आउटसाइड इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया के अंदर हमें इनकम रिसीव हुई है और वो इमिडिएटली सेंड कर दी है इंडिया के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि वो रिसीव तो इंडिया के अंदर हुई नहीं, वो रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर हमें रिसीव हुई है और इंडिया के अंदर सेंड की गई है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, वो होगी इनकम रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, वो इनकम रिसीव्ड नहीं हुई है इंडिया के अंदर। ऑन द कंट्री इफ एनी इनकम ऑन आउटसाइड इंडिया इज डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट इंडिया देन इट विल बी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई इनकम है जो आउटसाइड इंडिया के अंदर अर्न हुई है बट वो डिपॉजिट की गई है बैंक के अंदर सीधी इंडिया के अंदर ही, मतलब इंडिया के, मतलब अमाउंट तो चाहे बेशक वो बाहर रिसीव हुई है लेकिन वो रिसीव की गई है बैंक के अंदर, वो बैंक के अंदर डिपॉजिट की है इंडिया के कोई बैंक के अंदर, तो वो हो जाएगी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। उसके बाद डीमेडिट टू बी रिसीव्ड, डीमेडिट टू बी रिसीव्ड के अंदर क्या आएगा, डीमेडिट टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मीन्स दैट इनकम विच हैज नॉट एक्चुअली बीन रिसीव्ड बट डीमेडिट टू बी रिसीव्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। डीमेरिट टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या होता है कि जो इनकम है वो एक्चुअली रिसीव नहीं हुई है और डीमेरिट टू बी रिसीव्ड वो रिसीव्ड नहीं हुई है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे डीमेरिट टू बी रिसीव्ड। इसके अंदर फॉलोइंग इनकम दी गई है जो हम, जिनको हम बोलेंगे डीमेरिट टू बी रिसीव्ड। सबसे पहले एनुअल एक्विवेलेंसी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविजन फंड, टैक्सेबल पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन विच ईयर इज डिक्लेयर्ड, टैक्स डिडक्ट एट अ सोर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन एनी पेंशन स्कीम ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन आफ्टर 1/1/2004। अब इसके अंदर दे रखा है कि जो एनुअल इनकम हुई है जो प्रोविजन फंड से रिकॉग्नाइज की गई है वो इसके अंदर डिमेडिड होगी, टैक्स है डिडक्ट कर दिया है किसी भी सोर्स से वो डिमेडिड होगी, अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है डिक्लेयर किया गया है तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन द पेंशन स्कीम्स ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन आफ्टर, कंट्रीब्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर, मतलब उसके बाद, उसके बाद है एक्वायर्ड और अराइजिंग। एक्वायर्ड और अराइजिंग क्या होता है, एक्वायर्ड और अराइजिंग मीन्स द राइट टू रिसीव द इनकम नॉट द रिसीप्ट ऑफ इनकम। मतलब हमें रिसीव तो ही है इनकम बट उसकी रिसीव, रिसिप्ट जो होती है कि उसका हमें प्रूफ नहीं मिला है कि ये इनकम हमें अराइज हुई है, मतलब हमें पैसे तो मिल गए लेकिन उसके, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं आया है कि हमें ये पैसे मिले हैं। इट मीन्स एक्वायर्ड और अराइज मीन्स द राइट टू रिसीव ऑफ इनकम, हमें राइट तो मिल गया कि हम इनकम को रिसीव कर सकते हैं बट उसकी हमें रिसिप्ट नहीं मिली है कि हम किस चीज़ को देखें हम उस इनकम को अर्न करें, इस इनकम को लें, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि भाई आपका राइट है कि आप इस इनकम को रिसीव कर सकते हैं बट आपके पास रिसिप्ट नहीं है कि आप उस इनकम को, उस रिसिप्ट के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद है इंडियन कंपनी के नोट बी नॉन रेजिडेंट कमेंट, इंडियन जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी कैन नॉट बी नॉन रेजिडेंट, इंडियन कंपनी नॉन रेजिडेंट नहीं है, कमेंट करो इस बात पे, ये बात सही है या गलत है। तो है यस इट इज़ ट्रू, ये सही है, आर
एज इंडियन कंपनीज अलाउ ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडियन कंपनी होती है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाती है। अब मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, तो वो अगर उसको कोई चला रहा है तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का, तभी तो वो उस कंपनी को चला रहे हैं, तो उसको नॉन रेजिडेंट हम नहीं बोल सकते। ये बात सही है कि इंडिया की कोई कंपनी है उसको हम नॉन रेजिडेंट नहीं बोल सकते, वो रेजिडेंट होंगे इंडिया के अंदर, वो उनको ट्रीट किया जाएगा रेजिडेंट के थ्रू। इट कैन नॉट बी रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकते हैं। एनी अदर कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी वुड बी रेजिडेंट इफ, और भी कोई कंपनी हो सकती है रेजिडेंट एट अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM इन द ईयर इन इंडिया। POEM का मतलब क्या होता है? POEM इज अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड मैनेजियल डिसीजन विच इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस आर टेकन। POEM का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो भी नेसेसरी मैनेजमेंट के लिए जो भी नेसेसरी डिसीजन होते हैं वो डिसीजन यहाँ जाके लिए जाते हैं POEM के अंदर, जो इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई ये हमें काम करना चाहिए या ये हमें काम नहीं करना चाहिए, तो वो जो डिसीजन है वो डिसीजन लिए जाते हैं इसके अंदर, POEM के अंदर। POEM मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हमने किए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इस रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी के अंदर दो ही क्वेश्चन हैं, और जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आपको करवा चुकी हूँ रेजिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी के। और हाँ, मेरे को आपको एक बात और बतानी है, कल एक कॉमेंट आया हुआ था किसी का कि मैं सिस्टर आप इनकी फुल वीडियोज़ डालो, आप शॉर्ट्स मत डालो। तो मैं आपको उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट्स के साथ साथ जो ये इनकी फुल फुल वीडियो भी डालती हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाती है, जिन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है चैनल को उनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं जाती है कि कोई वीडियो नहीं आई है। तो आप चेक कर लिया करो, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन नहीं आती है या क्यों नहीं आती है। ये प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से ही आ रही है मेरे चैनल के ऊपर, मुझे नहीं पता कि मतलब मेरे पास एक दो कमेंट्स और भी आए थे कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो आप उनको चेक कर लिया करो। मैं डेली अपलोड करती हूँ न्यू न्यू वीडियोस, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू न्यू सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो आप डेली एक बार चैनल को चेक कर ले कि आप नई वीडियो आई है या नहीं आई है, क्योंकि डेली मैं आपको मॉर्निंग के अंदर मेरी नई वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आप डेली उस वीडियो को चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बिना एक्सप्लेन करे उसकी शॉर्ट डाल देती हूँ। मैं या तो शॉर्ट्स पहले वाले दिन डालती हूँ या अगले दिन डालती हूँ, तो मैं उनको एक्सप्लेन ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं फुल वीडियो भी डालती हूँ उनके एक्सप्लेनेशन की। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट्स डाल के ही छोड़ देती हूँ उनको। तो आप चेक करें, मुझे नहीं पता क्यों वो लोग नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देती है। और कई बार क्या होता है कि जो मेरी शॉर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी कमेंट डिसेबल कर देती है यूट्यूब। इस बात की भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि डिसेबल क्यों कर देती है यूट्यूब। तो आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी मेरी तरफ से कोई भी ऐसा इशू नहीं कि मैं डिसेबल करती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे तो पता चलना चाहिए कि बच्चों को किस चीज़ में डाउट आ रहे हैं। मेरे को तो चाहिए है कि आपको आप मुझे डाउट बताएं कि आपको कहाँ डाउट आ रहे हैं। तो लेकिन कई बार कई वीडियोस के अंदर ऐसा होता है कि डिसेबल कर देते हैं, बट ज़्यादातर के अंदर तो वो देते हैं कमेंट करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।